सुन मेरी बात, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो जल्दी से। तो हे गाइस, मगर आप सब, मेरा नाम है एंड आप देख रहे हो प्रो नेशन। सो गाइस, सबसे पहले तो यार जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है फटाक से गाइस लाइक कर दो, बिकॉज इस वीडियो पे लाइक है मैं 15,000 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो फटाक से गाइस लाइक कर दो। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पोरिंग पेट के बारे में बिल्कुल डिटेल में, कि ये पेट कैसे यूज होता है, क्या कुछ करता है, एंड बेसिकली इसकी एबिलिटी क्या है, सब कुछ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेट को निकालने में काफी सारे डायमंड्स लग सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये पेट कैसे मिलेगा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना जाकर कि ये पेट आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। एंड यार, अगर आपको पता है कि पेट कैसे मिलता है एंड आपको मिल भी गया है, या फिर आपको जानना है कि यार कि मतलब ये पेट करता है क्या, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, पहले ये वीडियो देख लो, बिकॉज यार क्या पता आपको इसका स्किल पसंद ना है तो फिर हो सकता है आपका मूड बदल जाए कि आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट लो मत, पहले समझ लो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यार फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं कर रखा है, एंड चलो यार मैं आपको बताता हूँ ये पेट यूज़ कैसे होता है एंड करता क्या है कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात बता दो कि आप ये जो स्किन है ये मैंने स्किन लगा रखी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार कि डायरेक्टली हम लोग पेट वाले सेक्शन में जाते हैं, सबसे पहले तो यार इस पोरिंग का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यार काफ़ी सोचा कि इसका नेम क्या रखना चाहिए, तो यार बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद, मतलब लिटरली बहुत आधे एक घंटे तक मैंने सोचा कि क्या नाम रहेगा, तो फाइनली गाइस मैंने सोचा है कि इसका नाम हम लोग रखेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लो। तो ये है गाइस मेरे नए वाले पेट का नेम, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नेम कैसा लगा। बाय द वे गाइस, देख सकते हो मेरे पास चारों के चारे इमोट्स है, उसके अलावा लेवल 7 का है, मतलब मैक्स है मेरा पोरिंग, मैक्स हो गया है, मैंने सारे पेट फूड यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो मेरा पोरिंग भी मैक्स है, तो मैं आपको स्किल टेस्ट दिखाने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं कर रखा तो यार लाइक कर दो जल्दी से, 15th के की लाइक ये मैं तो जल्दी से कंप्लीट कर जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और चलो यार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे क्या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो स्किन्स में देखोगे तो यार एक लेवल 6 का जैसी होता है, तो ये ग्रीन वाली स्किन बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, इसके अलावा ये और ये वाली स्किन का इस पेड है, तो ये वाली जो स्किन है ये मतलब आपको इसके लिए डायमंड वायमंड लगाने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, तब जाकर ये मिलेंगे। बाय द वे गाइस, मैं आपको स्किल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यार स्किल का नाम है गाइस स्टिच एंड पैच। स्टिच एंड पैच से काफ़ी सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रिकवर 1 ड्यूरेबिलिटी ऑफ आर्मर एवरी 1 सेकंड, आर्मर अप टू लेवल 3 विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके कहने का मतलब है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपका जो आर्मर है उसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो हर एवरी सेकंड, मतलब अगर आप मैक्स कर देते हो तो मैक्स करने के बाद एवरी सेकंड गाइज 1-1 मतलब आपका बढ़ता रहेगा, और अगर आप मैक्स नहीं करते तो आपका 3 सेकंड में गाइज 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि मैक्स कर दो तभी यूज़ करना, ठीक। और मैक्स करने के बाद गाइज जब आप यूज़ करोगे तो एवरी सेकंड आपका 1 ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। आप ड्यूरेबिलिटी से काफ़ी लोग नहीं समझ रहे हो, तो इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, बिकॉज ये तो अभी थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे ध्यान दोगे तो लिखा हुआ आर्मर अप टू लेवल 3 विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। काफ़ी सारे लोग सोच रहे ना कि लेवल 3 तक का आर्मर जो होगा वो मतलब ऐसा है कि वो मतलब हल्का सा भी उस पर डैमेज ही नहीं पड़ेगा, लाइक डिस्ट्रॉयड मीन्स कि ऐसा है कि डैमेज ही ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, वो डैमेज पड़ेगा। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है, लाइक देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक। तो होता क्या है कि आपके पास है लेवल वन का वेस्ट है आपके पास, सपोज दैट, एंड लेवल वन के वेस्ट पे गाइज अगर आपको ये कुछ 4-6 गोलियां पड़ती है ड्रैगन एक की, तो ऑब्वियसली बात है सबको पता है कि वो फट जाता है, लाइक वो गायब हो जाएगा, पूरा ख़त्म ही हो जाता है। तो अब क्या किया गया, अगर आप इस पेट को लेकर खेल रहे हो एंड आपका पेट मैक्स है या फिर मैक्स नहीं भी है, तो यहाँ पे जो आपका जो ड्यूरेबिलिटी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके अलावा गाइज जो मतलब जो आपका आर्मर है, मतलब जो आपका वेस्ट है, वो गाइज फटेगा ही नहीं, लाइक वो 1 का हो 2 का हो 3 का हो नहीं फटने वाला कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड नाउ यार हम लोग वापस से देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे लेवल 4 का वेस्ट मेरा काफी ज्यादा डैमेज्ड है, एंड जैसे ही मैंने बैग खोला यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जो मतलब पॉइंट है, मतलब जो वेस्ट है उसके आजू बाजू जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में अपर साइड पे देख सकते हो ऊपर पॉइंट्स बढ़े जा रहे हैं, मतलब वो रुक नहीं रहे, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मतलब अभी स्टार्टिंग में स्लो हो रहा था, वो एवरी 1 सेकंड में 1 बढ़ रहा था, अभी मैंने फास्ट कर दिया तो इतना फास्ट बढ़ रहा, बट ये मत समझ लेना इतना फास्ट बढ़ेगा, बट गाइस ऐसे करते करते आपका गाइस काफी मतलब स्पीड में बढ़ता जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि गाइज ये मतलब ये जो आपका मतलब जो डैमेज वेस्ट है, अब फॉर एग्जांपल आप फाइट नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा वेट उसको मतलब टाइम दे दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हो, फाइट नहीं ले रहे हो, तो आपका गाइज फुल हो जाएगा वापस से। तो ऐसे कुछ ये वर्क करता है, ठीक है। और रही बात, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हो कि मतलब कौन कौन से वेस्ट पे वर्क करते हैं, सभी पे वर्क करता है, लाइक 4 का हो 1 का हो 2 का हो 3 का हो। यहाँ पे बस ये चीज़ कहा गया है कि अगर आपके पास 3 तक का वेस्ट है ना, तो वो गाइज वो मतलब कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगा, लाइक वो डेड नहीं होगा, यानी कि वो गायब नहीं होगा, वो आपके पास रहेगा, थोड़ा
थोड़ा सा ही रहेगा, 0.1 जो कहते हैं 0.1 का वेस्ट बचा है, तो वैसा 0.1 का वेस्ट बचा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो यार ये पैड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो मेरी मानो तो यार आपको ले लेना चाहिए। एंड देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग का जो वेस्ट है वो फुल हो चुका है। एंड लिटरली यार ये वाला मतलब ये पेट इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देख सकते हो लेवल 4 के वेस्ट पे कुछ इस तरह से, मतलब देखो लेवल 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो, ये सब मतलब धीरे धीरे रिपेयर करते रहेगा। एक तरह से आप इसको कह सकते हो रिपेयर किट टाइप, ये भी ये चलता फिर तरीके रिपेयर किट है शानी टाइप, बट यहाँ पे शानी का काम थोड़ा सा अलग है, इसका काम थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि गाइज ये आपका मतलब वेस्ट भी फटने नहीं देता है, एंड उसके अलावा गाइज एवरी सेकेंड आपका वेस्ट आर्मर जो है वो रिपेयर करता रहेगा बिना किसी चीज़ के। तो देख सकते हो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डैमेज दे दे के कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ग्रेनेड फेंका, एंड अभी मेरा जो वेस्ट धीरे धीरे मतलब फुल हो रहा है। अभी यार एक और ग्रेनेड फेंकते हैं, देखते गाइज क्या होता है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ ताकि मैं मरूँ ना। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा वेस्ट और भी ज़्यादा फट गया। तो टेस्ट कर रहे गाइस हम लोग कि ये लेवल 4 के वेस्ट पे मतलब एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। तो यार यहाँ पे देख सकते हो लेवल 4 का वेस्ट गाइस यहाँ पे एकदम 0.1 पे बचा, अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो लास्ट वाला भी फेंक के देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड अभी थोड़ा सा मैं मेडिकेट कर लूँ। ओ भाई ये तो कहूँ ज़्यादा ही दूर चला गया। दूसरा वाला फेंक कर देखते हैं, देखते हैं गाइस अबकी बार क्या होगा। और यार यहाँ पे थोड़ा ही बाकी, ज़्यादा नहीं बाकी है। ओ माय गॉड, लास्ट में अगर आप स्लो मोशन करके देखोगे तो वो फटा था मतलब वेस्ट। आई थिंक सो कि 4 का वेस्ट फट जाता है, ये 3 तक का फटने नहीं देता, लाइक वो ख़त्म नहीं होगा, बाकी सारे फट सकते हैं। लाइक 4 हो गया, बाकी सारे क्या 4 ही बचा अब तो। 4 का गाइस हो सकता है कि आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, बट ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिसको मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ फट जाते हैं। बट देखे घुमा फिरा के यार ये पेट लिटरली बहुत अच्छा है, एंड मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। क्यूट सा भी है, बस हाँ थोड़ा सा कॉस्टली आप कह सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा डायमंड्स आपको लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हर बार पेट्स आते हैं हम लोग के टॉप अप इवेंट में, बट इस बार नहीं आया बिकॉज ये अच्छा पेट है। और ऑब्वियसली बात है ब्रो, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी तो यार वो मतलब ऐसे ही किसी भी अरे गहरे इवेंट्स में नहीं आएंगे या फिर टॉप अप इवेंट्स में। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन। बाय।